नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल कोल्स किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही लाजवाब पराठे की रेसिपी बनाने जा रहे हैं और वो है कीमा पराठा। इसे हम ऐसे ही खा सकते हैं और नहीं तो इसके साथ हम सॉस भी ले सकते हैं या चिकन की कोई भी प्रिपरेशंस, तो इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और इस रेसिपी के बारे में अगर डिटेल्स में जानना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक कर सकते हैं। तो रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हाँ, अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ इकट्ठे कर लिए हैं, तो चलिए अभी देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले ये जो डो है ये मैंने पहले से ही बना लिया है। ये डो बनाने के लिए मैंने लिया है मैदा, आटा, तेल, पानी, नमक और थोड़ा सा चीनी। इन सब के साथ मैंने ये डो बना लिया है। फिर मैंने ले लिया है चिकन पेस्ट, ये है चॉप्ड अनियन, ये है चॉप्ड टमाटो, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये है टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और फिर ये है क्यूमिन पाउडर और इधर है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो अभी हम सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और उसे थोड़ा गरम कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वाइट ऑयल और अभी इसमें हम ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन। चॉप्ड अनियन को ऐड करने के बाद इसे थोड़े टाइम के लिए हमें अच्छे से भून लेना है। तो अनियन लगभग भून चुकी है, अभी इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ टाइम के लिए। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चॉप टोमेटो और फिर से इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और अभी इसे अच्छे से हमें भून लेना है और अच्छे से कुक कर लेना है। तो ये लगभग भून चुकी है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे चिकन पेस्ट और अभी चिकन पेस्ट ऐड करने के बाद इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। फिर अभी हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। फिर इसमें ऐड करना है क्यूमिन पाउडर। अभी हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर और अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कुछ टाइम तक भूनने के बाद अभी हम इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए और अच्छे से कुक कर लेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम कवर को निकाल लेंगे और इसे ऐसे ही हमें अच्छे से कुछ टाइम के लिए फिर से भून लेना है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटैटो, थोड़ा सा मैंने मैश कर लिया है। तो अभी पोटैटो को भी हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है चिकन के साथ। तो ये जो स्टफिंग है ना, ये लगभग रेडी हो चुकी है। अभी हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे जो मैंने डो बना के रखा हुआ था उससे हम अभी छोटा छोटा बॉल निकाल लेंगे। अभी हम इसे अच्छे से हाथ के सहारे स्मूथली एक राउंड बॉल बना लेंगे। तो राउंड बॉल सारे बन चुके हैं, हमारा कीमा भी बिल्कुल रेडी है। अभी हम पराठे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक बॉल ले लेना है और उसे थोड़ा सा हमें रोटी की तरह बेल लेना है। हमें ज़्यादा नहीं बेलना है, थोड़ा सा ही बेल लेना है।
तो इसे हमने छोटा करके बेल लिया है। अभी हम इसमें स्टफिंग भरेंगे, तो हमें ऐसे बिल्कुल स्टफिंग भर लेना है। और अभी हम इसे फिर से राउंड करके बंद कर लेंगे स्टफिंग को। तो डो में हमने स्टफिंग को भर लिया है। अभी हम फिर से इसे पराठे की तरह बेल लेंगे। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है, तो ध्यान से बेलना, कहीं ये साइड से फट ना जाए। तो ऐसे ही हम स्टफिंग भर के सारे पराठे को बेल लेंगे। तो स्टफिंग भर भर के हमने सारे पराठे को ऐसे ही बेल लिया है। अभी हम एक तवा पैन ले लेंगे और उसमें एक एक पराठे बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें पराठे को ऐड करना है, फिर अच्छे से दो तरफ से हमें सेक लेना है। तो दो तरफ से सेकने के बाद अभी हमें इसे थोड़ा थोड़ा तेल ऐड करना है और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ऐसे ही हम सेम प्रोसेस में सारे पराठे को बना लेंगे। तो ये पराठा बनके बिल्कुल रेडी है, इसे अभी हम निकाल लेंगे। और अभी हम फिर से दूसरा पराठा बना लेंगे बिल्कुल सेम प्रोसेस में। दोनों तरफ से हमें सेक लेना है और इसमें तेल ऐड करके फिर हमें इसे थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेना है। तो सारे पराठे बनकर बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और सर्व करेंगे। तो देखिए